हेलो फ्रेंड्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है रीसेंट टाइम्स में। ये तेज़ी क्यों देखने को मिली, उसके पीछे दो बड़े अपडेट्स हैं फ्रेंड्स, जो पिछले 1 वीक से जो है मार्केट में काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, और वही अपडेट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम मिलते हैं, और यही अपडेट्स आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन सा शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो सबसे पहला जो अपडेट है फ्रेंड, जिसकी वजह से 8% की तेज़ी देखने को मिली, वो थी जियो फाइनेंशियल टू लॉन्च होम लोन सुन। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जल्द से जल्द जो है NBFC का काम करने वाली है, और यहाँ पे होम लोन्स जो है उनके बाय जो कस्टमर्स हैं उनको वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट अपडेट माना जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो दूसरे अपडेट के ऊपर क्विकली जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दूसरा अपडेट देखिए फ्रेंड्स, जियो फाइनेंशियल्स अप स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक टू 82.17% फॉर ₹68 करोड़। तो जियो फाइनेंशियल्स ने जो है उनके स्टेक्स जियो पेमेंट्स में बढ़ा के 82.70% कर दी है फॉर 68 करोड़। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ माना जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे। तो दोनों बैक टू बैक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले इस शेयर के बारे में मार्केट में, और उसी की वजह से हमें शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिली। तो आने वाले समय में काफ़ी मल्टीबैगर जो है माना जा रहा है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को, बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसमें एक थोड़ा बहुत करेक्शन आने के बाद पोजीशन लेना सही होगा, बिकॉज अभी तक एज सच ऐसा कोई परफॉर्मेंस कंपनी का नहीं है, कोई कोर बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इट्स जस्ट बिकॉज रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इसको ओन करता है, उसकी वजह से हमें शेयर इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है इससे रिलेटेड, वो मैं क्विकली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।